हर क्षण जो है वो कितना उसका हिसाब लगाया है कि इतना इतना काम करने वाला यंत्र इस संसार में अभी बना नहीं है, लेकिन वो कितना थोड़ा सा लेता है अपने लिए, उसको जीवित रखने के लिए कुछ आर्टरीज उसको खून देती हैं, उसको जिंदा रखने के लिए। वो जो काम कर रहा है, जैसे बैंक का कैशियर है, उसके हिस्से में तो उतना ही है जो उसको पे मिलती है, चाहे रात दिन उसका हाथ पैसों में हो। तो हृदय का, हृदय को जो खून सप्लाई करने वाली नसें होती हैं, उनमें थोड़ा सा, बहुत बारीक बारीक सी हैं, उनमें ब्लॉकेज आ जाता है, तो फिर हृदय तड़पने लगता है कि लाओ मेरे लिए भोजन, लाओ मेरे लिए भोजन। जैसे भूख में प्यास, भूख लगती है पेट में, तो ऐसे वो तड़पने लगता है, तो उसी को एंजाइना पेन कहते हैं। तो वो हृदय रोग, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसमें बाधक बनती हैं, हृदय रोग में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, बढ़ाती हैं कुछ घटाती हैं, तो हृदय रोग बहुत आता रहता है। प्रतिशायोक्षी रोगश्च हृदय रोग अरुचि भ्रमा वाष्प निग्रहणा तत्र स्वप्नो मध्यम प्रिया कथा, तो उसके लिए चिकित्सा सुख सहन और मद्यपान और मन को आनंदित करने वाली कथा, वाष्प के, वाष्प को, वाष्प रोगज, वाष्प वेग को रोकने से उत्पन्न जो समस्या है उसके लिए ये सब करना। निद्रा वेग रोध से जृम्भांग मर्द जृम्भांग मर्दस्तंद्रा च शिरो रोगोक्षी गौरवम निद्रा विधारणा तत्र स्वप्नम संवाहनानि च। निद्रा के वेग को रोकने से होने वाले जो रोग है, उन निद्रा वेग रोधज रोग क्या हैं? बोले जृम्भा बहुत आएंगी, यॉनिंग, और अंगमर शरीरावयवों में मसलने की पीड़ा, तंद्रा, स्लीपी बिहेवियर, कफ, तमोगुण, तंद्रा, शिरोरोग, माथा भारी भारी रहना, और वायु की अधिकता से तंद्रा, ऊंग आना, तंद्रा, जिम्बा, अंगमर्द, अंगों का एक प्रकार से जैसे कष्ट महसूस करना शरीर में, शिरोरोग, अक्षिगोरम, आँखों का भारी भारीपन, निद्रा विधारणा तत्र स्वप्नम संवाहनानि च, वहाँ पर सोना इसका इलाज है। समान हाथ पैरों को दबाना, दबवाना हाथ पैरों को, जैसे हम दबाते हैं किसी दूसरे से दबवाते हैं, वो भी इसका एक इलाज है। संवाहन का अर्थ है दबाना, हाथ पैरों को दबाना। श्रमज निश्वास वेग रोधज रोग, श्रम से, परिश्रम करने के कारण जो हमारे निश्वास के वेग को रोकने से जो कष्ट होता है, तो उसमें दिखाया गुल्म, एक प्रकार से पेट में गोला जिसको कहते हैं, गोला सा बन रहा है, गुल्म, हृदरोग, सम्मोह, सम्मोह मूर्छा, बेहोशी, और श्रम निश्वास धारणात्, श्रम परिश्रम के कारण उत्पन्न निश्वास के वेग को धारण करने से ये सब होता है। जायन्ते तत्र विश्रामो वातग्न्यश्च क्रियाहिता, वातग्नि का बहुवचन वातग्न्य, विश्राम उसका इलाज है। एक तो रोगी को रेस्ट करना चाहिए और वातनाशक चिकित्साएं करनी चाहिए, तेल मालिश आदि। स्वस्थ व्यक्ति में एक मिनट में श्वास की गति लगभग 18-20 बार, 21 बार तक होती है, और नाड़ी की गति 72 बार, तो दोनों का अनुपात
एक चार का होता है, नाड़ी की गति और श्वास की गति का जो अनुपात है वो 1:4 होता है, मानी वो 72 है या 18, 18×72। श्वास की गति 1 मिनट में 18 बार आता जाता है और नाड़ी 72 बार। तो ये जो है ज्वर में प्रति डिग्री तापमान के पीछे श्वास की संख्या 2-3 बढ़ जाती है और नाड़ी की संख्या में 10 की वृद्धि हो जाती है। तो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा के कम होने पर श्वास संख्या जो है वो बढ़ती है। तो वो इसमें बताया हृदय की दुर्बलता, पांडु रोग, श्वास का परीक्षण करके देखा गया तो ऐसा मिला। बालकों में अंतःश्वास के साथ जो वो एक प्रकार से उनके अंदर जो एक आवाज सी आती है, खर्राटे वगैरह जैसे देखते हैं, तो वो कंठ में स्तंभ का संदेह होता है। श्वास प्रश्वास साधारणतः होता ही है, तो श्वास की उस स्थिति को स्वस्थ अवस्था, श्वास की जो ये स्थिति है वो सामान्य है, लेकिन जब परिश्रम करते हैं तो इसकी गति में वृद्धि हो जाती है और उसको रोकते हैं तो उससे कष्ट होता है। उसको यदि हम रोकते हैं, जैसे व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करने के बाद उसको रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए, श्वास लेना ही चाहिए खुल करके। ये भी एक बड़े काम की बात है, व्यायाम जब करते हैं तो श्वास को लंबे लंबे श्वास लेना चाहिए। आगे वेग निग्रह जार होगा, ये इते परिकीर्तिता सा, अधारणीय वेगों को रोकने से होने वाले जो जिन रोगों को ऊपर गणना की गई है, इच्छन तेसाम अनुत्पत्तिम वेगान एतान धारयेत, बुद्धिमान व्यक्ति इन वेगों को धारण ना करे जो ऊपर बताए हैं। वेग निग्रह जार होगा, वेग निग्रह से उत्पन्न जो रोग हैं ये इते परिकीर्तिता, जिनका गण जिनको गिन करके बताया है, इच्छन तेसाम अनुत्पत्तिम, उन रोगों की अनुत्पत्ति चाहते हुए, अनुत्पत्तिम इच्छन, इच्छन तेसाम अनुत्पत्तिम वेगानेता निधारयेत, इन वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। हाँ जी, आक्षेप जो पीछे आया 19वें श्लोक में जी, आक्षेप तो आप वो मसल क्रैम्प कह सकते, विनाम आक्षेप संकोच है, कन्वल्जन्स अंग्रेजी में बोला है, कन्वल्जन्स का अनुवाद वही है जो ऐंठन आदि होते हैं ना, और संकोच सिकुड़न आदि, तो वो जो टूटने सा लगता है, मुड़ने सा लगता है हमारा ये हाथ पैर, बड़ा दर्द होता है, बड़ी तेजी से दर्द होता है, संकोच तो मुड़ने से होता है। हाँ, संकोच सिकुड़न सा होता है, आक्षेप जी ऐंठन, और शरीर के अंगों में विशेष झुकाव, ये भी एक प्रकार की ऐंठन ही है, शरीर ऐसे मुड़ जाता है, उसको विनाम कहते हैं। जैसे लघुशंका के समय भी ये दोष बताया, लघुशंका रोकने से हम यहाँ पर बस्ती प्रदेश में हाथ रख करके ऐसे मुड़ जाते हैं, तो ये तो वेग निग्रह से उत्पन्न जो रोग हैं इनको यहाँ जो विस्तार से कहा, इनकी अनुत्पत्ति चाहते हुए इन वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। अब अगली बात जो कह रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। हाँ जी, ये इनमें जो एक और वेग होता है वो बताएं, जैसे हास्य का वेग होता है, तो वो उसको रोकना चाहिए या किस तरह, कभी कभी इस तरह परिस्थिति बनती है और हमको जैसे हंसना आ रहा है लेकिन लज्जा के कारण, या कभी हम ना हंसे। हाँ, इसको तो गिना है नहीं हंसने के वेग को, तो उसको तो रोक सकते हैं। परिस्थितियों में क्या करना चाहिए उसको तो रोक सकते हैं।
हानि नहीं होगी। हैं? हंसने का रोग ऐसी परिस्थिति होती है, कई बार ऐसा होता है कि हंसने का भी एक वेग उत्पन्न होता है और हम उसको थोड़ा सीरियस हो जाते हैं तो रुक जाता है, उसमें तो हानि क्या है। जैसे थोड़ा सीरियस हो जाएं या जिसके कारण से हंसी आ रही है उस तरफ से देखना बंद कर देते हैं, उसकी तरफ नहीं देखते हैं, दूसरी तरफ देखने लग जाएं या नीचे देखने लग जाएं। हंसना का वेग भी बड़ा तेज वेग होता है, लेकिन उस वेग को रोकने से हानि नहीं होगी, नहीं तो गिनाते जरूर। इसमें तो कहीं गिनाया नहीं, तेरे वेग गिनाए हैं ये, और ये रोकने चाहिए इन वेगों को। आगे जो दे रहे हैं इन वेगों को हमें रोकना चाहिए। इमास्तु धारयेत् वेगान, धारण करना, धारण करने का मतलब पकड़ के रखना उनको, और न वेगान धारयेत्, इन वेगों को धारण नहीं करना अर्थात छोड़ देना, ये मतलब है इसका। वेग को धारण न करना, धारण सब तो पकड़ने के लिए प्रयोग होता है, हंसते वो एक प्रयोग होता है ना, मैं कई बार बताता हूँ। हाँ, पुस्तकम हस्ते धृत्वा गच्छति, पुस्तक को हाथ में लेकर के जा रहा है, तो धृति शक्ति जो है ना वो पकड़ के रखने के लिए प्रयोग होती है। इमास्तु धारयेत् वेगान हितार्थी पेत्य चाहिए है चे, आगे के लिए भी और इस जन्म के लिए भी। ये जो मानस वेग हैं, ये आगे जो कहे जा रहे हैं, ये शारीरिक वेग तो धारण नहीं करने चाहिए पर मनोवेगों को धारण करना चाहिए, इससे हमारा ये जन्म भी और अगला जन्म भी सुधरता है। प्रेत्य च इह च, दोनों शब्द डाल दिए, साहसानाम अशस्तानाम मनोवाक्काय कर्मणाम, जो साहस कर्म होते हैं, जो अपने बल से आगे बढ़ करके देखा देखी करते हैं या प्रदर्शन के लिए किए जाते हैं, तो साहसानाम अशस्तानाम, अशुभ जो कर्म होते हैं साहस कर्म, और जो मनोवाक काय कर्मणा, मन के, वाणी के और शरीर के कर्म के जो अशस्त कर्म होते हैं, अशस्त माने अशुभ कर्म होते हैं, अशुभ चिंतन, अप्रिय भाषण, अशुभ कार्य, शरीर से भी अशुभ कार्य हो सकते हैं, उनको रोकना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। प्रेत्य च इह च, पूर्व जन्म के कर्मों का जो फल है वो हमको इस जन्म में, और इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में हमारे को मिलता है, ये भाव निहित है तंत्रकार का। हाँ जी, हंसना, हाँ हंसना, हंसना किसी का ऐसा वेग उठे कि किसी का अपमान हो रहा हो, कुछ हंसने तो ऐसे होते हैं कि वो एक सभा में जैसे हंसना हो तो उसमें कोई अपमान की बात नहीं, पर हमारी मूर्खता प्रकट होती है उसमें। एक तो किसी का उपहास करने के लिए हंसते हैं तो वो तो ठीक नहीं है, उसको तो रोक ही लेना चाहिए। पर कुछ हंसने ऐसे होते हैं सभा में जैसे इतनी तेज हंसी फूट पड़े कि वो मुश्किल हो जाए, तो फिर उसके लिए कह रहे हैं वो भी रोक लेना चाहिए। तो यहां देखिए, साहसानाम अशस्ताना, अशस्तानाम, साहस जो मनोवाक काय कर्मणाम, मन वाणी और शरीर के, मन वाणी और शरीर के जो अशुभ कर्म हैं, मन वाक काय कर्म, शरीर के कर्म जो अशस्त हैं, और साहस, साहस शब्द का अर्थ है शक्ति से अधिक कार्य, बल से ज्यादा कार्य करने को साहस कर्म कह रहे हैं। युवावस्था में जिनके शरीर में बल होता है ना वो ज्यादातर ये करते हैं साहस कर, ये अच्छा नहीं है। साहसम तु दमे दुष्कर कर्मणि अविमृश्य कृतौ धार्ष्टे, हेमचंद्र जी ने इसमें दिया,
साहस शब्द का प्रयोग शत्रु के लिए, सिंह के लिए, व्याघ्र और अपने से अधिक बलवान का दमन करने और दुष्कर कर्म, कठिन कार्य जो अपनी शक्ति से साध्य न हो और बिना विचार किए कार्य के लिए भी साहस शब्द का, और धृष्टता के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। इतने अर्थों में साहस शब्द का प्रयोग होता है। कोश के प्रमाण से ये बात कही गई है। दुष्कर कर्म अविमृश्य कृत धार्ष्टे, धृष्टता के लिए भी इसका प्रयोग होता है। अशस्ता नाम शस्तम क्षेमे प्रशस्ते च, शस्त्र का अर्थ होता है क्षेम, कल्याणकारी। तो अशस्त हो जाएगा जो अकुशल कर्म है, प्रशंसा करने योग्य ना हो, ऐसे मानसिक वाचिक कर्मों का परित्याग करना चाहिए। जैसे अशुभ मन और वाणी के कर्मों का प्रभाव दूसरों के प्रति जो विपरीत होता है, तो इसको नहीं रोकेंगे तो मानसिक रोग हो जाएंगे, साइकोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम, मानसिक जो अस्त व्यस्त हो जाएगा आदमी। इमास्तु धारयेत् वेगान् हितार्थी प्रेतचेह च, क्या क्या है देखिए अब ध्यान से। लोभ शोक भय क्रोध है मान वेगान विधारयेत्, नैर्लज्ज ईर्ष्याति रागाणाम अविद्यायाश्च बुद्धिमान। बुद्धिमान इन सब को, इन रोगों को रोक, इन वेगों को रोक ले। क्या क्या? लोभ, लोभ का एक वेग होता है, जैसे कि आदमी को लोभ में आकर के कुछ करने लगता है, लालच में आकर के कुछ गड़बड़ करने लगता है, कोई लालच देता है और उसमें बहक जाता है। शोक में आकर के आदमी बहुत ही वो हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। लोभ शोक भय, भय का भी अपना एक वेग होता है और क्रोध का भी अपना एक वेग होता है, अभिमान अहंकार का भी, मान, मान का भी एक वेग होता है, और नैर्लज्ज्य निर्लज्जता, दूसरे की ईर्ष्या, दूसरे की उन्नति को देखकर जलना। निर्लज्जता माने जैसे एकदम से लज्जा रहित होकर के कोई काम करने लगे, और अतिराग, किसी विषय के प्रति अत्यधिक आसक्ति को अतिराग कहा है, कामना का जो उग्र रूप है उसको। श्रीमद् भगवद गीता में जो कहा है ना, कामात ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते, तो वो संग से ध्यान, विषय का ध्यान करते हैं और ध्यान से उसमें उसके साथ हमारा लगाव हो जाता है, संग हो जाता है, संग से कामना उत्पन्न हो जाती है, उसी को अतिराग कहा है। जिसको पूरा किए बिना आदमी बेचैन सा होता है, जैसे प्यासे आदमी को पानी ना मिले तो वो बस तड़फता रहता है, ऐसे ऐसी स्थिति आ भी जाए, मानसिक स्थिति, तो भी उसको रोकना चाहिए, क्योंकि नहीं रोकेगा तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा फिर वो उसका सब कुछ आगे विवेक भ्रष्ट हो जाएगा। पहले से ही इसका प्रबंध करेंगे कि क्या क्या स्थितियां होती हैं, भय के कारण क्या क्या होते हैं, पहले से ही हम जब इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे कि इनके कारण क्या हैं, क्यों लोभ आता है, क्यों क्रोध आता है, क्यों मान अहंकार आता है, इन वेगों को धारण करना चाहिए, अर्थात इनको एक बार तो बोल दिया लेकिन फिर भी यदि आते हैं तो विवेक का जब प्रयोग करेंगे ना, तो उस समय वो स्मृति में उपस्थित हो जाएगा वो चित्र, ये अनावश्यक व्यर्थ है। हाँ, भय जो है, भय के कारण क्या है, भय के कारण होते हैं
सुख के प्रति लगाव, सुख की जो आसक्ति है वही तो भय है। सिक्के का एक छोर सुख है, दूसरा छोर भय है। सिक्के को यदि उपमित करके दिखाएं, जैसे एक सिक्का उसके दो पहलू हैं, तो एक तरफ देखें तो वो भय है, एक तरफ देखें तो वो सुख है, दूसरी तरफ देखें तो उसका नाम भय है। जहां जहां भी हमें सुख के प्रति लगाव होता है तो भय बनेगा ही, जो हमारे हाथ से निकलता है, हाथ से छिनता है। सुख के प्रति जो आसक्ति है वो यदि छोड़ दें तो फिर भय भी छूट जाएगा। भय का कारण क्या है, आप इसको विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके देखिए कि भय क्यों होता है हमारे को। भय इसलिए होता है, मूल में जाकर के देखेंगे ना, मूल में जाकर के तो यही आएगा। अंततः पहुंच करके देखेंगे कि कोई ना कोई इच्छा। इसलिए सन्यासियों को यह कह दिया जाता है सन्यास दीक्षा के समय कि लोकेष्णा मया परित्यक्ता, वित्तेष्णा मया परित्यक्ता, पुत्रेष्णा मया परित्यक्ता, मत्ता सर्वभूतेभ्यो अभयमस्तु। इच्छा त्याग के बाद ये वाक्य बुलवाया जाता है कि मैंने लोकेष्णा, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा ये सब छोड़ दी है, मुझसे सब प्राणियों को अभय हो और मैं भी अभय हूं, मैं भी किसी से निडर रहा हूं और मुझसे भी किसी को भय ना रहे। माने इच्छा के साथ भय जुड़ा हुआ है। इच्छा यदि है तो भय तो आएगा। जैसे मेरी इच्छा है कि ऐसा हो तो फिर वो उसमें बाधा आएगी तो भय तो आएगा। शरीर के साथ हमारा तादात्म्य रहता है इसलिए मृत्यु का भय लगता है। शरीर को सुरक्षित रखना चाहते हैं, शरीर को बना करके रखना चाहते हैं, तो जैसे ही हमारे ऊपर आक्षेप होता है, आपत्ति आती है, तो भय आता है ना। तो ये जो वेग हमारे जीवन में आते हैं ये रोकने के वेग हैं, इनका प्रबंध करना चाहिए हमारे को। ज्ञान से रुकेंगे, ऐसे विचार से तो रुकेगा, केवल एक विचार से कि मुझे भय नहीं करना, इतने मात्र से सोचने से नहीं रुकेगा। मुझे लोभ नहीं करना, उनके परिणाम और उनके कारणों को, उनके कारण क्या हैं और उनके परिणाम क्या हैं, ये दोनों बातें जब हम सोचते हैं तो उसका जो स्पष्ट होना, समाधान दो ही है जीवन में, या तो विचार या भक्ति, या तो हम पूरा का पूरा अपने को सुने हुए भगवान के प्रति अर्पित कर दें। वेद शास्त्रों के माध्यम से जिसके बारे में सुनते हैं उस प्रभु को अपना सब कुछ चढ़ा दें, भेंट चढ़ा दें और उसको अपना माने और उसी के होकर के जिएं, सारे विवेक विरोधी और अंधविश्वास और इन सब को समाप्त करके विवेक विरोधी संबंधों को और सारे बाह्य संबंधों को त्याग करके और भगवान के साथ ही एक संबंध बना लें। अलग अलग नहीं, लोभ भी छूट जाएगा, शोक भी छूट जाएगा, भय भी छूट जाएगा, मान ईर्ष्या मद मोह निर्लज्जता सबका समाधान है यदि हम सुने हुए के प्रति हम विश्वस्त हो जाएं कि वही मेरा है। क्योंकि भगवान को तो हम बुद्धि के द्वारा ऐसे जान नहीं सकते हैं। विचार का प्रयोग तो देखे हुए पर होता है और विश्वास सुने हुए में होता है। जो देखा हुआ है ये संसार हमारा, तो इस संसार में विचार के द्वारा हम ये प्रयोग करें कि इस संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे लिए, और मेरा कुछ भी नहीं है, इस शरीर से भी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ऐसा जब विचार हम अपने मन में बिठाते हैं तो भय से मुक्ति मिल सकती है। ये विचार का प्रयोग है, ये रास्ता विचार का है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है, हर क्षण सब कुछ मेरे हाथ से छूट रहा है, जा रहा है, जो मेरे हाथ से जा ही रहा है उसको मैं ही छोड़ देता हूं। जैसे भर्तृहरि ने कहा है ना, वियोगे को भेदा त्यजत न जनो यत स्वयं अमून, अवश्यम ज्ञातारा
अवश्यम ज्ञातारा चिरतरम उषित्वापि विषया। ये जो विषय है, संसार की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, शरीर भी एक वस्तु है ना, जब हम इसकी सेवा करते हैं तब तो ये व्यक्ति है, और जब इसका हम उपयोग लेते हैं तो एक वस्तु है। इसमें दोनों धर्मों का हम दर्शन कर सकते हैं, ये वस्तु भी है, ये व्यक्ति भी है। शरीर जो है, जितने भी ये शरीर हैं, ये वस्तु भी हैं। तो वस्तु का उपयोग और व्यक्ति की सेवा, ये दो बात यदि हमारे समझ में बैठ जाए अच्छे से, कि वस्तु का तो सदुपयोग करना है और व्यक्ति की सेवा करनी है, और अपनी पूरी उत्साह से करनी है, ताकत लगा देनी है, कुछ भी बचाना नहीं। पर ये सब अपना मान करके नहीं करना, भगवान का मान करके करना है। ये सब भगवान की सृष्टि है, भगवान का घर है, वही इसमें बसा हुआ है, उसी का है ये संसार। हमको भी उसने भेज दिया इसमें खेल खेलने के लिए, तो हमें वस्तु की तो से वस्तु का तो सदुपयोग करना है और व्यक्ति की सेवा करनी है। ऐसा यदि इन दो बातों को अपने भीतर बिठा लें तो ये विचार का अच्छा उपयोग है, और मुझे कुछ चाहिए नहीं इससे। धीरे धीरे बैठ जाएगा विचार, तो धीरे 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 बार 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 उसका प्रयोग करेंगे तो बैठ जाएगा। और भगवान जो सुना हुआ है वेद शास्त्रों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, उसमें अनन्य विकल्प रहित विश्वास कि वो मेरा है, वो सर्वसमर्थ है, वो सबका है, मेरा भी है, वो सब समय है, वो अभी भी है, वो सब जगह है, वो मुझमें भी है। ऐसे बुद्धि का प्रयोग तो हो रहा है, पर उसको हम मानने के रूप में बुद्धि का उपयोग ले रहे हैं, ये मानने के रूप में उसके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं बुद्धि का, कि बुद्धि को हम ये समझा रहे हैं कि उसको मान लो जो ऐसा ऐसा है, वो जैसा भी है उसको मान लो, है कह करके उसको मान लो, उसकी महिमा को स्वीकार करना और उसकी महिमा को मानना ही उसकी स्तुति है, और उसकी आवश्यकता अनुभव करना प्रार्थना है, और उसके साथ संबंध स्थापित करना ये उपासना है। तो स्तुति, प्रार्थना और उपासना से हम भगवान के साथ अभिन्न हो जाते हैं, तो ये फिर सारे रोग खत्म हो जाएंगे, मानसिक रोग, या फिर विचार के द्वारा अपने आप को इससे अलग कर लें कि ये संसार की चीजें, इनमें मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे से मतलब ये शरीर नहीं, शरीर तो अपने आप ही संसार का एक हिस्सा है, भाग है, इसका जो अधिकार है वो अपना अधिकार ये मांग ही लेता है। शरीर का एक अधिकार है हमारे ऊपर, वो अधिकार ये अपना पूरा करवा ही लेता है हमसे, भोजन, निद्रा, स्नान, दिनचर्या, तो ये पूरा करवा ही लेता है, और करना भी चाहिए। उसमें कोई अधिकार की रक्षा करने में तो हमारे को प्रॉब्लम है ही नहीं। संसार का अधिकार है कि हम बुराई रहित हो जाएं, माने समाज का अधिकार है हमारे ऊपर कि हम बुराई रहित हो जाएं। शरीर का अधिकार है कि इसकी रक्षा करें, इसको खान पान समय पर उचित भोजन दें। भगवान का अधिकार है हमारे पर, हम उसके प्रेमी बन करके रहें, विवेक विहीन सारे विश्वासों को खत्म कर दें और सारे विश्वासों को खत्म करके एक उसी के साथ अपना विश्वास जमा लें। ये भगवान का अधिकार है, हमारा भी हमारे लिए अधिकार है। क्या अधिकार है? कि हम कुछ न चाहें, हमारा हमारे ऊपर अधिकार है कि हम कुछ न चाहें। यदि इस रास्ते के साधक पथ के पथिक हैं तो, साधना पथ के पथिक हैं तो संसार के हर चीज का मेरे ऊपर अधिकार है, मेरा किसी ऊपर अधिकार नहीं है, और मेरा अधिकार नहीं है तो क्रोध तो खत्म हो जाता है। मेरा किसी पर अधिकार नहीं तो क्रोध तो इस विचार के साथ ही एक सेकंड में खत्म होता है कि मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। बस आप बताइए कैसे क्रोध आएगा? क्रोध तो इसलिए आता है ना कि हम चाहते हैं कि इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए। वो अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है, ठीक है,
तो ये विचार का प्रयोग से ये सब वेग, लोभ शोक भय क्रोध मान वेग, मान वेग आन वेग सबके साथ जुड़ रहा है, लोभ वेग शोक वेग भय वेग क्रोध वेग मान का जो वेग है इनको धारण पकड़ना चाहिए। नैर्लज्ज ईर्ष्या तिराग, पूर्ण शांति तो तभी होगी ज्ञान से ये वेग उठे ही नहीं, और वेग उठ गए तो इनके बारे में जब हम इसके परिणाम दुखद परिणाम को जानते हैं तो ज्ञान हमारी मदद करेगा, कुछ तो हमारी अवश्य सहायता करेगा। नैर्लज्ज ईर्ष्या तिरागाणाम अभिध्यायाश्च, अभिध्यायाश्च बुद्धिमान, और अभिध्यायिक अभिध्या पर स्व विषय स्प्रिया, अमरकोश में यह कहा कि दूसरे का धन लेने के लिए जो इच्छा होती है उसको अभिध्या कहते हैं, अनुचित विधि से दूसरे के धन, माग्रिध कस्य स्विद्धनम जो निर्देश है, तो अभिध्यायांश सभी मानसिक प्रवृत्तियों को, इनका शरीर और मन दोनों पर प्रभाव पड़ता है, और अतिराग, अतिराग को हम वस्तुओं में पदार्थों में जो आसक्ति है उसको अतिराग शब्द से कह सकते हैं। तो इन वेगों को हमें रोकना है। परुषस्याति मात्रस्य सूचकस्य नृतस्य च वाक्यस्य काल युक्तस्य धारयेद् वेगमुत्थितम्। धारणीय वाचिक वेग की बात कर रहे हैं, अत्यंत बोलना, परुषस्य अतिमात्रस्य अत्यंत कटु भाषण करना, ऐसी बात बोलना जिससे कि दूसरे को चुभ जाए, और चुगली करना, इसकी बात उसको लगा देना, उसमें बड़ी खुशी होती है किसी किसी को। और इन बातों को पढ़ते समय आदमी जो है ना, एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बात बता रहा हूँ, ऐसा लगता है कि ये तो मेरे में नहीं है, दूसरे लोगों में है, चाहे वो पूरा ऊपर से नीचे तक डूबा हुआ हो, वो पढ़ेगा तब वो ये सोचेगा कि ये सही कही है, ये नहीं होनी चाहिए, मेरे में तो है नहीं। तो अपना निरीक्षण परीक्षण करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, व्यवहार से परीक्षण होता है, व्यवहार में जो है दर्पण की तरह व्यवहार होता है, दर्पण में जैसे हमें हमारा चेहरा ठीक से दिख जाता है वैसे ही ये सब चीजें हमारे को दिखती रहती हैं, व्यवहार हमारा साफ चित्र हमें दिखा देता है कि कहाँ लोभ हो रहा है, कहाँ शोक हो रहा है, कहाँ भय हो रहा है। व्यवहार का सब ये संबंधों का सबसे सुंदर जो उपयोग है वो ये है कि संबंध हमारे को हमारा स्वरूप दिखाते रहते हैं, चीज़ों के साथ जो हम संबंधित रहते हैं और जो हमारा जीवन चलता है वो हमारा स्वरूप हमें दिखता रहता है। व्यवहार संबंध के माध्यम से ही हमारे ऐसे एकांत में बैठ करके पता नहीं चलेगा, सही सही व्यवहार से पता चल जाता है कि कहाँ अहंकार है, कहाँ ईर्ष्या आती है, कहाँ द्वेष आता है। अपने अंदर यदि हम सजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं तो पता चल जाता है कब कठोर बोल रहे हैं, कब किसी को दुखा रहे हैं, दिल दुखा रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। बड़ा सावधान होकर के जीने की चीज है। और कह रहे हैं वाक्य सकाल युक्त से, बिना समय कोई बात हम बोल देते हैं, जिस समय जो नहीं बोलना चाहिए ऐसी बात बोलते हैं, ये उठे हुए वेग को रोक लेना चाहिए। वाणी में कोई बात आ भी जाए तो कह रहे हैं उसको रोक लेना चाहिए। वेगम उत्थितम धारे, अकाल युक्त वाक्य हमारे मुख में आ भी जाए तो उसको मुख में ही रखना, बाहर ना निकालें। कई आदमी कह देते हैं हम तो जैसी बात होती है बस कह देते हैं, साफ हैं हम तो, ये ठीक नीति नहीं है। गोस्तु मात्रा न विद्यते, वेद में कहा है कस्य मात्रा न विद्यते, कौन ऐसी चीज है जिसका परिमाण नहीं होता, क्वांटिटी नहीं होती, सीमा नहीं होती। तो उन्होंने कहा गोस्तु मात्रा न विद्यते, वाणी की कोई सीमा नहीं होती है।
वाणी कितना हमें सुख दे देती है, कितना दुख दे देती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। वाणी के बारे में हमारे गुरुजी बहुत बोलते थे, लेख भी इसमें लिख रखा है, साथ जीवन का समाधान पुस्तक में बहुत सारे इसमें प्रसंग उनके दिए हैं कि कैसे कैसे वो वाणी के बारे में कहते थे। तो ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर श्रीमद् भगवद गीता में भी सात्विक वाणी का तप बतलाया है। वाणी का तप बतलाया कि चार बातों को जो पूरा करेगा तब ये वाणी का तप माना जाएगा। सत्यम, प्रियम, हितम और कठोरता से रहित। सत्यम, प्रियम, हितम चयत। वाणी के जो प्रयोग करते समय हमारे को ये देखना चाहिए कि ये इसमें सत्य है या नहीं, हितकारी है या नहीं, प्रिय है या नहीं है। सत्रहवें अध्याय में अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चेत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम् तपुच्यते। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसा वाक्य जो दूसरे में उद्वेग पैदा ना करे। सत्यम प्रियम हितम चयत, सत्य भी हो, प्रिय भी हो और हित भी हो। एक वाक्य कवि का, सत्यम मनोहारी च दुर्लभम वचा, सत्यम हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा। सत्य भी हो, हितकारी भी हो और मनोहारी भी हो, दूसरे को अच्छा भी लगे, तो ये दुर्लभ वाणी है। वाणी के विवेक को रोकने की बात कही। और ये जो एक दृष्टि है, दृष्टि का भी हमारे व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। यदि हमने ये सोच लिया कि भैया आदमी को साफ रहना चाहिए, मन में आ जाए तो अंदर नहीं रखना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए, बाहर उसको कह देना चाहिए, पर ये तो मना कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि अंदर रख करके और अंदर ही अंदर कूदते रहें, उसको अंदर से भी हटा देना चाहिए। उस गलत बात को नियंत्रण करना चाहिए, नियंत्रण करके उसको हटा देना चाहिए, इस बारे में डिलीट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे कि उसको भाई अंदर रख लो और जो कुछ करना हो अंदर अंदर करते रहो। तो परुषस्य अतिमात्रस्य सूचकस्य अनृतस्य च, झूठी बात हो और चुगलखोरी हो, कटु भाषण हो, अत्यंत बोलना है और अकाल युक्त बात हो, इनके वेग को रोक लेना चाहिए। महाभारत में कहा है, अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन। बृहस्पति भी बोलेगा ना असमय की बात। लभते बुद्धि अवज्ञानम अपमानम च भारत। बृहस्पति भी बोलेगा तो वो अपमान को और बुद्धि के अवज्ञान को, उसकी उसकी जो है अवज्ञा ही होगी, बुद्धि अवज्ञान को प्राप्त करेगा, अपमान को प्राप्त करेगा। तो ये वाणी का वेग हो गया। ऊपर मानसिक वेग था, लोभ शोक भय क्रोध मान निर्लज्जता ईर्ष्या अतिराग और अभिध्या, पर धन को लेने की जो तृष्णा है उसको अभिध्या कहते हैं। और ये वाचिक वेग हो गया। वाणी के वेग को तो बहुत बहुत इससे दिक्कत होती है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। गुरुजी यूं कहते थे कि इस वाणी रूपी कन्या को नग्न नहीं करना चाहिए, सर्वनाश हो जाएगा। कन्याओं को जैसे पर्दे में रखा जाता है, तो ये कहते थे कि वाणी रूपी कन्या को नग्न नहीं करना चाहिए। वाणी का नंगा शैतान, शरीर का नंगा संत, ऐसे बोलते थे। और एक छांदोग्य उपनिषद के प्रारंभिक जो वाक्य हैं, इन सब भूतों का सार क्या है, सब भूतों का सार पृथ्वी को बताया। पृथ्वी का सार क्या है,
पृथ्वी अब तेज वायु आकाश पंचभूतों का सार पृथ्वी को बताया, पृथ्वी का सार जड़ ये जो औषधि वनस्पतियों को बताया, औषधि वनस्पतियों का सार उनका जो रस बनता है वो रस उनका सार है, रस का सार मनुष्य, मनुष्य पैदा होते हैं उस रस से, मनुष्य, मनुष्य का सार, मनुष्य का सार वाणी, वाणी का सार परमात्मा की स्तुति, परमात्मा का गान, परमात्मा की महिमा का गान, ऐसे करके समझाया, उद्गीत शब्द बोला है वहां पर। तो वाणी के वेगों को हमें रोकना चाहिए, हमारा ध्यान दिला रहे हैं ना शास्त्रकार, क्या काम कर रहे हैं, ध्यान दिला रहे हैं कि वाणी के वेग को रोकना चाहिए, वाणी को वेग को नहीं रोकेगा तो उसका दूसरे के दिल के ऊपर क्या प्रभाव होगा और कितना दुख हो जाए उसको, अगले को कितना कष्ट हो जाए। मानस वेगों को रोकने की बात कही, वाचिक वेगों को, और अब शारीरिक वेग देख लीजिए आगे। देह प्रवृत्तिर याकाचित विद्यते पर पीड़या स्त्री भोगस्ते हिंसाद्या तस्या वेगान विधारयेत। दूसरों को कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से जो शारीरिक प्रवृत्तियां होती हैं, देह प्रवृत्तिर याकाचित विद्यते पर पीड़या, दूसरे को पीड़ा देने के लिए जो, और इसी तरह से स्त्री भोग मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत जो चाणक्य नीति में आता है, हिंसा मारकाट आदि, किसी के हृदय को दुखाना, किसी के, किसी से मर्म भेदी बातें कहना, ये हिंसा के क्षेत्र में आता है। तो देह प्रवृत्ति या काचित विद्यते पर पीड़ाया, स्त्री भोग पर स्त्रीगमन और स्ते चोरी और हिंसा तस्या वेगान विधारित, इनके शरीर प्रवृत्ति के इन वेगों को रोक ले, व्यभिचार चोरी और हिंसा, ये तीन मनुस्मृति में भी ये शरीर के तीन दोष, वात्स्यायन भाष्य में भी, बुद्ध भगवान ने भी, और इसमें चरक में भी, सब जगह ये पूरे हुए हैं, नाम लेकर के इन तीन का ही वर्णन करते हैं, शरीर के जो दोष जहां गिनाए हैं और वाणी के दोष जो ये गिना रखे हैं ना, ये मनुस्मृति में भी ऐसे ही ऐसे, वात्स्यायन भाष्य में भी ऐसे के ऐसे हैं, यहां पर भी हैं। शरीर के तीन जो दोष हैं वो व्यभिचार, स्त्री भोग, व्यभिचार से मतलब है स्ते और हिंसा, तो इनको, इस वेग को रोकना चाहिए। पुण्य शब्दों विपापत्वात् मनोवाक्काय कर्मणां धर्मार्थ कामान पुरुषा सुखी भुंक्ते चिनोति च। इन वेगों को धारण करने से लाभ क्या होता है, हर व्यक्ति लाभ तो सोचता ही है। मैं छोटे बालकों को वहां आचार्य कुलम में समझा रहा था कि भाई कुछ देर शांत रहना है, जैसे सामान और व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, सुख दुख से रहित हो जाते हैं ना नींद में, इस दृष्टांत को लेकर के हम ऐसे शांत रहना है, इससे लाभ क्या होगा जी, तुरंत प्रश्न जो है, इससे लाभ क्या होगा। तो ये भी यहां भी ये पूछ रहे हैं कि इन वेगों को धारण करने से लाभ क्या होगा जी, तो बता रहे हैं, चलो लाभ बता देते हैं। मानसिक वाचिक और शारीरिक कर्मों का, कर्मों द्वारा निष्पाप, कर्मों के द्वारा निष्पाप, पापों से रहित पुरुष पुण्यवान कहा जाता है। विपापत्वात् मनोवाक काय कर्मणान, मन, मन संबंधी, वाणी संबंधी और काय कर्मणाम विपापत्वात्, ये जब पाप रहित होते हैं, मानसिक वाचिक कायिक कर्मों का द्वारा जो निष्पापता आती है विपापत्वात्, ऐसे पुरुष को पुण्य, ये शब्द मिलता है, पुण्यवान पुरुष है ये, पुण्य शब्द विपापत्वात् पुण्य शब्द प्राप्त करता है वो,
कि ये आदमी पुण्यवान है, ऐसे उसके लिए टाइटल मिलता है। धर्मार्थ कामान पुरुषा सुखी भुंगते चिनौती च, ऐसा व्यक्ति धर्म अर्थ और काम का उपभोग करता है और धर्म अर्थ काम का संचय करता है। दो बातें कही, भुंगते चिनौती च, धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग का उपभोग करता है और जन्मांतर के लिए संचय भी करता है। चिनौती च माने इन वेगों को धारण करने से, जो यहां धारणीय वेग बताए, धर्मार्थ काम तीनों। आयुर्वेद का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य हितायु और सुखायु संपादित करना, अंतिम उद्देश्य हितायु और बीच की सुखायु समझ सकते हैं, और आरोग्य की प्राप्ति और कैसे हम रोगी ना हों, शरीर और मानस रोगों की चिकित्सा होती रहे, हमारे शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे, हितायु को प्राप्त कर सकें। हमने पढ़ा था हितायु किस किस की होती है, 30वें अध्याय में हितायु और सुखायु की प्राप्ति आयुर्वेद के बारे में कहा ही है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदा से उच्यते। तो ये जो है वही बताया, धर्म अर्थ काम इस त्रिवर्ग का उपभोग करता है, अधारणीय वेगों को न रोकना और धारणीय वेगों को प्रयत्न पूर्वक रोकना, ये करेंगे ना तब हमारी सुखायु बनेगी, हितायु बनेगी। सुखायु के लिए है ये, हितायु तो और ऊंची चीज है। सुखायु प्राप्त होगी हमारे को जब ये अधारणीय वेगों को रोक लेंगे, अधारणीय वेगों को नहीं रोकेंगे और धारणीय वेगों को प्रयत्न पूर्वक रोकेंगे तो हमारे को हितायु और सुखायु की प्राप्ति होगी। तो ये श्लोक में कहा, मनोवाक कर्मणाम विपापत्वात्, मन व वाणी और काय के जो कर्म है पाप रहित होने पर पुण्य शब्द प्राप्यते हैं। धर्मार्थ कामान पुरुष, पुण्य है शब्द जिसका, ऐसा पुरुष, पुण्य शब्द है पुरुष का विशेषण, पुण्य शब्द है पुरुष धर्मार्थ कामान, पुण्य शब्द है पुरुष सुखी भूत्वा धर्मार्थ कामान भुंगते चिनोति च। तो ये भुंगते चिनोति च, आगे एक अध्याय में कहेंगे परलोक ऐष्णा, परलोक की जो ऐष्णा है, परलोक की प्राप्ति की इच्छा है, वहां पर आत्रेय परलोक ऐष्णा को मानने वाले हैं। तो पुण्य और धर्म शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने यहाँ पर पुण्य और धर्म शब्दों का प्रयोग करके ये बात हमें संकेत दे दी कि केवल जीवन का हमारा जो लक्ष्य है वो इतना ही नहीं है जो दिखाई देता है, हमारी यात्रा आगे भी है, और भी आगे जाना है हमारे को। जैसे कि एक शाह जी की कथा है, उसमें जीवन का समाधान पुस्तक में, वो उन्होंने रेलवे स्टेशन पर कहा कि मैं साथ चल रहा हूँ जी, कि पर मेरे को तो आगे जाना है ना, कि आप भी आगे कहाँ तक जाओगे, मैं साथ ही तो चल रहा हूँ, पर मेरे को और भी आगे जाना है। तो ऐसे जो है, अभी यहां विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति। कश्मीरी केसर व बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि च्यवनप्राश, ऋषियों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार बनाया गया कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। We'll be right back.
सबका मंगल हो, यही हमारी प्रार्थना है। मंगल दीप। आज का पंचांग। आज का दिनांक 10 मार्च 2016, दिन बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2072, शक संवत 1937, अयन उत्तरायण, ऋतु वसंत, मास फाल्गुन, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि द्वितीया, नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, योग शुभ, दिशा शूल दक्षिण दक्षिण पूर्व। आज का विचार, भला हम भगवान को खोजने कहां जा सकते हैं अगर उससे अपने हृदय और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने, महकते हैं इरादे, तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव, तब जाके जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है